संगीत सरिता आइए सुने डॉक्टर अरुण कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला श्री राम गीति रस माधुरी की अगली कड़ी। श्री राम गीति रस माधुरी के प्रिय श्रोताओं, उत्तर रामचरित बहुत करुण है। आज हम उसी प्रसंग पर गीत प्रस्तुत करेंगे। प्रजा के कुछ लोग श्री राम की और महारानी सीता की आलोचना कर रहे थे। हो न हो सीता लंका में तो थी, किसने देखी अग्नि परीक्षा। बेचारी सीता गर्भवती थी, पर श्री राम ने सीता से पृथक रहने का निर्णय लिया। प्रजारूपी पुत्र के माता पिता के रूप में थे सीता और राम। जब घर में पुत्र हट करता है, जिद करता है, तो उसको तो माता पिता ही पूरा करते हैं, पड़ोसी नहीं आता। इसीलिए श्री राम ने सीता से अलग रहने का निर्णय लिया। हतभागिनी सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश को जन्म दिया। भारत की सीताओं की मर्म व्यथा पर लता मंगेशकर और आशा भोसले का एक बड़ा मार्मिक गीत राग दरबारी कानड़ा में आपको सुना रहा हूँ। दरबारी कानड़ा बड़ा गंभीर राग है, जिसके रचयिता तानसेन कहे जाते हैं। सा रे सा ध द द नी प म प द द नी सा सा रे रे गा 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 मा मा रे रे सा। इस करुणा में इस प्रसंग को सुनिए। भारत की सीताओं के दुखड़े लेगा नारी में दोष निकालेगा
वशिष्ठ ने राजा राम से कहा, राजा आप अश्वमेध यज्ञ कराइए, आपको चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलेगी। श्री राम ने अनुमति दी। गुरु ने कहा, राजा राम बिना पत्नी के तो यज्ञ नहीं हो सकता। श्री राम ने कहा, गुरुदेव यदि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता तो न कीजिए। सीता के जीवित रहते दूसरे विवाह की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। शास्त्र देखे गए, श्री राम के वाम पार्श्व में सोने की जानकी को स्थापित कर यज्ञ प्रारंभ किया गया। उसी समय दो छोटे छोटे बालक हाथों में वीणा लेकर यज्ञ मंडप में आए। कहने लगे, राजा राम हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, हम उनका सिखाया रामायण आपको गाकर सुनाना चाहते हैं, हम गाएं। श्री राम ने अनुमति दी और उन दोनों नन्हे बालकों ने अपने पिता को रामायण सुनाया। अद्भुत प्रसंग है, पुत्रों को यह नहीं मालूम कि ये हमारे पिता हैं, पिता को यह नहीं मालूम कि ये हमारे पुत्र हैं। कार्यक्रम का समापन मैं सुप्रसिद्ध मराठी कवि गदी माडगुलकर के गीत रामायण से कर रहा हूँ, जिसे श्री सुधीर फड़के ने गाया है। भावार्थ है, स्वयं श्री राम सुन रहे हैं, उनके पुत्र लव और कुश उन्हें रामायण सुना रहे हैं। पुत्र न जाने पिता यही हैं, पिता न जाने पुत्र यही हैं, नन्हे बालक लवकुश करते रामायण का गान। एक वयस के दोनों बालक प्रभापूर्ण दो रघुकुल दीपक, सुना रहे थे पुत्र पिता को उनका चरित महान। राजपुत्र ऋषि वेश धरे थे, नव के दो गंधर्व खड़े थे, वाल्मीकि के मृदु भावों को मिला आज सम्मान। स्वर गंगा है यह रामायण, यज्ञ भूमि पर यह पारायण, श्रोता गण संग नर नारायण आज कर रहे स्नान। शब्द चित्र में अपना जीवन देख रहे थे रघुवर दर्पण, वास्तव से इतिहास मनोरम विकल हो उठे प्राण, नन्हे बालक लवकुश करते रामायण का गान। प्रभु ऐकति स्वये श्री राम प्रभु ऐकति कुशलव रामायण गाति स्वये श्री राम प्रभु ऐकति स्वये श्री राम प्रभु ऐकति कुशलव रामायण दाति कुशलव रामायण दाति। कुमार दोघे एक वयासे सजीव पुतले रघुरायांसे, कुमार दोघे एक वयासे सजीव पुतले रघुरायांसे, पुत्र सांगती चरित पित्याते, पुत्र सांगती चरित पित्याते, ज्योतिने तेजाची आरती, ज्योतिने तेजाची आरती कुशलव रामायण गाती,
कुशलव रामायण गाते। राजस मुद्रा वेश मुनींचे गंधर्वत ते तपोवनीचे, राजस मुद्रा वेश मुनींचे गंधर्वत ते तपोवनीचे, वाल्मीकीचा भाव मनीचे, वाल्मीकीचा भाव मनीचे, मानवी रूपे आकारती, मानवी रूपे आकारती कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। ते प्रतिभेचा आम्र बनातील वसंत वैभव गाते कोकिल, ते प्रतिभेचा आम्र बनातील वसंत वैभव गाते कोकिल, बाल स्वरानी करुणी किल बिल, बाल स्वरानी करुणी किल बिल, गायने ऋतु राजा भारती, गायने ऋतु राजा भारती कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। फुला परीते ओठ उमलती सुगंध से स्वर भुवनी झुलती, फुला परीते ओठ उमलती सुगंध से स्वर भुवनी झुलती, कर्णभूषणे कुंडल डुलती, कर्णभूषणे कुंडल डुलती, संगरी वीणा झंकारती, संगरी वीणा झंकारती कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। सात स्वरांचा स्वर्गामधुनी, सात स्वरांचा, सात स्वरांचा, सात स्वरांचा स्वर्गामधुनी, नऊ रसांचा नऊ स्वरधुनी, यज्ञ मंडपी आल्या उतरुनी, यज्ञ मंडपी आल्या उतरुनी, संगमी श्रोते जन नाहती, संगमी श्रोते जन नाहती कुशलव रामायण गाती। श्री राम गीती रस माधुरी। आप सुन रहे थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत ये श्रृंखला। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।